पर्वतारोही स्वर्गीय रवि कुमार के बड़े भाई गौरव कुमार कहते हैं कि जब हौसले बुलंद हों तो कोई रोक नहीं सकता। यही कहानी है रिजवाना की। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला छिद्दापुरी की रहने वाली इंतजार सैफी की पुत्री पर्वतारोही रिजवाना सैफी माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने के लिए पिलखुआ हापुड़ से काठमांडू नेपाल तक पैदल यात्रा पर निकल पड़ी है, जिनका सोमवार को मुरादाबाद में स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। रिजवान ने बताया कि 2013 में हिंदू लेख कन्या इंटर कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई की और रामपुर के इम्पैक्ट कॉलेज से बीए स्नातक किया। 2013 में जवाहर पर्वतारोहण इंस्टीट्यूट से माउंटेनिंग के बेसिक और एडवांस कोर्स की, साथ ही स्किंग के बेसिक और एडवांस कोर्स भी किया। रिजवाना अब 6000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले कई पहाड़ी और 12000 फीट तक की ऊंचाई के कई विंटर ट्रैक पर भारतीय तिरंगा फहरा चुकी है। जिला स्तरीय 21 और 25 किलोमीटर की मैराथन में गोल्ड और सिल्वर मेडल प्राप्त कर चुकी है। रिजवाना ने लगभग 4 साल तक माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में गेस्ट इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्य किया। अब रिजवाना का सपना दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर भारतीय तिरंगा फहराने का है। सरकार से बहुत बार आर्थिक मदद उन्होंने मांगी है, मदद न मिलने और माउंट एवरेस्ट के लिए फंड जमा न होने की वजह से वो पिलखुआ से काठमांडू तक पैदल पदयात्रा करने के लिए 7 मार्च को रवाना हुई। प्रतिदिन वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं। इस बीच वो मुरादाबाद जनपद में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट विजेता शहीद रवि कुमार के घर जाकर उनके माता पिता और परिवारजनों से मुलाकात भी की। शहीद रवि कुमार की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित की। शहीद रवि कुमार और परिवारजनों ने पर्वतारोही रिजवाना का माला और शॉल पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद रिजवाना का माउंट एवरेस्ट के लिए फ्लैग ऑफ करके विदा किया। मेरा नाम रिजवाना है, रिजवाना खान सैफी, पर्वतारोही। 2013 से मेरी पर्वतारोही की शुरुआत हुई थी। अब तक कई सारी चोटियां फतह करनी है, जैसे माउंट स्टोक कांगड़ी 6135 मीटर, माउंट गोलप कांगड़ी 6125 मीटर, माउंट यूनाम 6111 मीटर, माउंट फ्रेंड्स पीक 5289 मीटर, माउंट दंगमाचन 5058 मीटर, केदारकंठा विंटर ट्रैक वो फतेह किया है, फाल्ड विंटर ट्रैक फतेह किया है। माउंटेन के जो कोर्स होते हैं, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स अल्फा ए ग्रेड के साथ पूरा किया है, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स अल्फा ए ग्रेड के साथ पूरा किया है, बेसिक स्किंग कोर्स एडवांस स्किंग कोर्स अल्फा ए ग्रेड के साथ पूरा किया है। अभी जो है वो मेरा है माउंट एवरेस्ट, उसके लिए मैं पद यात्रा कर रही हूँ, जो 7 मार्च 2024 से मैंने स्टार्ट की थी। आज मेरा 5वां दिन है और आज मैं यहाँ पे आई हूँ शहीद एवरेस्टर रवि कुमार जी के यहाँ पे, क्योंकि माउंटेनियरों का एक परिवार होता है, क्योंकि बिना परिवार के कोई भी काम संभव नहीं है। जिस भी काम में हम रहते हैं उसमें एक पारिवारिक रिश्ता जरूर रहना चाहिए ताकि वो रास्ता आसान हो। आपको यहाँ के कैसा महसूस हो रहा है, जैसे संग्रहालय में आप आई हैं? अच्छा लगा, बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि अभी यादों के साथ रहना है जो, लेकिन एवरेस्टर रवि कुमार जी को, उनके पिताजी हैं यहाँ पे, माता जी हैं, मेरे पापा हैं, सभी का बहुत धन्यवाद कि, और ऐसे पिता को भी जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, ऐसी माता को जिन्होंने इतना बड़ा दिल रखा अपनी